इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के केंद्र में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले अल्फाडोल 0.5 mg कैप्सूल के बारे में। अल्फाडोल 0.5 mg कैप्सूल का क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोजन कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, ये कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, ये कैप्सूल का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। अल्फाडोल 0.5 mg कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं अल्फाडोल 0.5 mg कैप्सूल जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 104.50 यानी कि 104 रुपये करीब इसकी MRP है। अल्फाडोल 0.5 mg कैप्सूल को पेनेसिया बायोटेक लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। अल्फाडोल 0.5 mg कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है अल्फा कैल्सिडोल्स 0.5 mg कैप्सूल इसके अंदर डाले गए हैं। अल्फाडोल 0.5 mg कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट करता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट करता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। यह दवा शरीर के भीतर कैल्शियम का सामान्य स्तर बनाए रखने में मदद करती है और विटामिन डी की कमी के कारण कमजोर होने वाली हड्डियों को मजबूत बनाती है। अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कुछ कमी हुई रहेगी या फिर उसके कुछ डिसऑर्डर हुए रहेंगे तो यह कैप्सूल को यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल का डोज से डोसेंस की बात करें तो इसका डोज से डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना है, और इसका डोज से डोसेंस आफ्टर मिस रहता है यानी कि कैप्सूल को खाना खाने के बाद दिया जाता है। अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। डॉक्टर जितने दिन बोले उतने दिन ही कैप्सूल का इस्तेमाल करें, अपने मन से ये कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किया जा रहे हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि कैप्सूल को अगर आप ओवरडोज लेते तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको रशेस हो सकता है, आपको इचिंग हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। डॉक्टर जितने दिन बोले उतने कैप्सूल का इस्तेमाल करें, अपने मन से ये कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स अल्फाडोल 0.5 mg कैप्सूल। अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि अल्फा कैल्सिडोल्स, वो एक विटामिन डी कैप्सूल है जो कि बॉडी को एक्टिव करती है और हेल्प करती है लीवर एंजाइम्स में, जो विटामिन D3 यानी कि कैल्सिडोल्स के एक्टिव रूप में परिवर्तित हो जाता है जो हड्डियों को मजबूत करने और शरीर के अन्य कार्य को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल पीजीसी फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेशन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताएं। अल्फाडोल 0.5 कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल से सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।